शाश्वत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार 7 मई को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन के कमरा नंबर 101 से 107 में यह परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रोफेसर एसपी सिंह ने बताया है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थियों को कुछ विशेष बात का ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर दिए गए समय से एक घंटा पहले पहुंच जाएं। हर विद्यार्थी की चेकिंग की जाएगी। ऐसे में अगर वो देर से आते हैं तो उनका समय खराब होगा। किसी भी विद्यार्थी को बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर होगा विद्यार्थियों का चयन। उन्होंने बताया है कि ओएमआर सीट में ठीक तरह से आंसर मार्क करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों को समस्या हो सकती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 54 विषयों के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। 1200 से अधिक विद्यार्थी यह परीक्षा देने वाले हैं। एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थियों को एक इंटरव्यू देना होगा, इसके बाद मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। चयनित विद्यार्थियों को 6 महीने का कोर्स वर्क करना होगा, जिसके बाद पीएचडी शुरू हो जाएगी। बने रहिए ऐसी और वीडियो के लिए टीपी न्यूज के साथ। मैं अंजलि त्रिपाठी, आपका दिन शुभ हो।